आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, क्योंकि एक 15 साल का लड़का ये डिसीजन नहीं ले सकता है कि भाई हमें पेपर देने जाना भी है या नहीं जाना है। और पेपर आपको, एग्जाम आपको क्यों नहीं देना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले साल मुझे भी कोरोना हुआ था और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है और कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको वो टेस्ट करती हैं। उनको भी कोरोना हुआ था पिछले साल, जिसकी वजह से मुझे भी हो गया था। और इतना आसान नहीं होता है कोरोना को पार कर पाना। भाई मैं, हम लोग थोड़ा यंग थे तो हम लोग जीवित बच गए। ये वाला स्ट्रेन शायद और भी ज्यादा डेंजरस है। कल के डेट में 4 पेशेंट्स पॉजिटिव मेरी वाइफ ने अकेले डिटेक्ट किए थे। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना है लेकिन वो टेस्ट कराने आ ही नहीं रहे। दिस इज नॉट अ पेंडेमिक विच इज जस्ट अ जोक। मैं बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो डाल रहा हूं यहां पर और सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपके आसपास अभी तक किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और पिछले साल की, मैं थोड़ा सा मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो ग्राफ से चीजों को समझना पसंद करता हूं। पिछले साल की पीक कुछ ऐसी थी और इस साल की पीक कुछ ऐसी होगी। हम लोग शायद पीक में अभी यहां कहीं है। सॉरी, अगर ये पिछले साल की पीक थी तो यहां पे 1 लाख है और अभी हम लोग 2 लाख पे चल रहे हैं ना, यहां पे हैं, तो इस पीक को ही कम कर देता हूं मैं। ठीक है, इधर चल रहे हैं हम लोग, इसके डबल पे चल रहे हैं और ये कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता है। एंड आईसीएससी ने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली इस जगह ही डिसाइड कर दिया कि हाँ, चलो जून वून जब आएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई इस पेंडेमिक में एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी नहीं। ये 2 लाख है, ये नंबर 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। इंडिया जैसी पॉपुलेशन में और इंडिया जैसे पुअर हेल्थ केयर में 1 करोड़ भी हो सकता है। लोगों को, मैं कानपुर में रहता हूं, कानपुर लखनऊ में मरने के बाद क्रिमेटोरियम में जगह नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार 8-8 लोगों का एक साथ किया जा रहा है। तो मैं कोई हाइप भी यहां पे क्रिएट नहीं कर रहा हूं कि हाँ, चलो भाई कोरोना है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, दैट इज ऑल यू कैन डू एट दिस टाइम। कुछ, अब बात आ जाती है एग्जाम की, कुछ भी मैटर नहीं करेगा क्लास 10th में अगर आपके परसेंटेज आईसीएससी ने 75 दे दिए, अगर आईसीएससी ने आपको 60% दे दिए, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। मैटर 11th क्लास ज्यादा करता है। मैं बता दूं बच्चों और पेरेंट्स, क्लास 10th से ज्यादा मैटर क्लास 11th करता है, भले उसमें बोर्ड एग्जाम ना हो। अब वो जमाना चला गया है कि बोर्ड के परसेंटेज से ही आपको नौकरी लग जाएगी, बोर्ड के ही परसेंटेज से आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। और वैसे भी पूरी दुनिया को, पूरे भारत को उस समय पता होगा ना कि हाँ, 2040 चल रहा है, 2030 चल रहा है, जब उस समय पता होगा ना कि 2021 में जिन बच्चों ने बोर्ड पास किया था, हाँ वो लोग तो यार कैंसल्ड एग्जाम के शिकार हुए थे। तो हाँ चलो, इस बच्चे के अगर 65% है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, 12th में अच्छा करना ना। और 12th में अच्छा तभी कर पाओगे जब 11th अच्छा हुआ होगा। प्लीज रिमेंबर, वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। अगर आप एग्जाम दें या ना दें, इस पूरे साल तो आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप एग्जाम देने ना देने का डिसीजन खुद लें, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे मानते हैं ब्लाइंडली कि हाँ सर आप जो कहेंगे वो करेंगे, तो प्लीज एग्जाम देने मत जाइए। अभी कुछ भी श्योर नहीं है कि क्लास 12th के एग्जाम भी भारत सरकार करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। और आप अगर आज एग्जाम नहीं देते हैं 2021 का, इट विल नॉट मैटर इन द एंटायर लाइफ। लेकिन अगर आप अपना क्लास 11th और 12th चौपट कर लेते हैं इस डिसीजन मेकिंग में लेट होने की वजह से, योर करियर विल डिस्ट्रॉय। प्लीज रिमेंबर।